आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया, इतनी मदद की, इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने ये शुरू किया कन्याकुमारी में यात्रा शुरू की, तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है, और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगह नफरत फैली हुई है। मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। मैंने मीडिया के बारे में कहा, शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, वो ठीक है, हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये एक और काम करते हैं, इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हैं, लगान लगी हुई है, पीछे से लगान लगी हुई है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है, इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है, तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है। जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, यह हिंदुस्तान। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की, और यह नई बात नहीं है, यह हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से यह देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है, कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया, कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखेगा।
सही बात है ना, सही बात। कभी नहीं दिखेगा, इसका कारण है भाइयों और बहनों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका जेब, आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो, क्या किया? पढ़ाई की? कितने साल की? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान, और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, ये लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं, ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है, राइट?
अब क्या, ठीक है बैंक का पैसा नहीं दिया तब भी मान ली बात, मगर फिर क्या किया, फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार हैं ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक है उनके लिए तोड़ी। गेम को समझो। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, युवाओं की बात की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की बात की, दुकानदारों की बात की। अब सड़कों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं, एक सेकंड में पहचान लेता हूं, जैसे ही हाथ मिलाता हूं समझ आ जाता है ये मजदूर है या ये किसान है, हाथ से पता लग जाता है, छिले हुए हाथ होते हैं। अच्छा, एक और सवाल है जो मैं सोच रहा हूं, प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती, और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है, किसान चलता है, मजदूर चलता है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो चलते हैं, तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया। भाइयों और बहनों, पूरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है। हम 2800 किलोमीटर चलते हैं, किसान शायद जिंदगी में 10,000 15,000 20,000 चल लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ध्यान सही जगह जाए। अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाई है, हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को, कमजोर लोगों को कुचलना चाहिए? कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए? कहां लिखा, मुझे बताओ। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़ा मैंने। आपने पढ़ा कहीं? गले लगाने की बात होती है। अच्छा ठीक है, देखिए अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं, नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। मुझसे कहती है राहुल जी, बीजेपी की सरकार में हम तो शाम को सड़क पर नहीं निकल सकते, तो डर फैला दिया है। सही? अच्छा, आपने शिव जी की फोटो देखी है, उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते हैं? इसको अभय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत। तो शिव जी कहते हैं
डरो मत, हिंदू धर्म कहता है डरो मत। और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूं आपको। मैं सोच रहा था, आपने ये यात्रा देखी होगी, इसमें आपको हिंसा दिखी? कहीं नहीं दिखी। किसी ने किसी को मारा? किसी ने गाली दी? नहीं। आपने इसमें नफरत देखी? बिल्कुल नहीं। इसमें किसी ने यह पूछा, भैया तुम्हारा धर्म क्या है? किसी ने कहा, भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो? नहीं। किसी ने यह पूछा, तुम स्त्री हो या पुरुष हो? किसी ने यह पूछा, तुम्हारी क्या जात है? बिल्कुल नहीं। कपड़े भी नहीं पूछे, कपड़े भी नहीं पूछे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। इसमें कुत्ते आए, और आपने एक, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। जैसा हमारा हिंदुस्तान है, वैसे ही ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। कभी कभी कोई गिर जाता, जैसे हमारे हरियाणा के पीसीसी गिरे, धड़ाम से गिरे, केरला के सब नेता गिर गए, एक सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे, एक सेकंड में, टाइम नहीं लगता था। ये है हिंदुस्तान। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सच्चाई समझनी होगी। सच्चाई ये है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। उनकी गलती नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कर दिया है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रीकल्चर के स्टोरेज डिपो भी उनके, और क्या उनका, हाँ, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी, और क्या उनका, रेलवे उनकी, अभी भाइयों और बहनों ताजमहल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका। तो ये देश की सच्चाई है। हाईवे भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सच्चाई हमारी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको मैं बताता हूं, अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं राजनीति में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे, और ये प्रेस वाले 24 घंटा मेरी प्रशंसा करते थे, 24 घंटा
राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भट्टा परसोल। नहीं सुनो, आपको समझना है ये है क्या। मैं भट्टा परसोल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया। और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ही ये मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद जमीन अधिकरण बिल, भट्टा परसोल के बाद जमीन अधिकरण बिल लाया कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद तो पूरा फुल टाइम 24 घंटा मेरे पीछे पड़ गए। प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मेरी छवि को खराब करने में, हजारों करोड़ रुपए। और आपने देखा होगा मैंने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना, मैं बिल्कुल चुप, चुप, क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है। और लगाया, पूरी की पूरी मीडिया लग गई, व्हाट्सएप पे लगाया, फेसबुक पे लगाया, सब जगह 24 घंटा राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने, पूरे देश में फैला दिया। और फिर एक महीने मैंने आपको सच्चाई दिखा दी और पूरा पूरा खत्म। देखो सच्चाई कैसे काम करती है, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं से छुपाया सच्चाई बाहर आ जाती है। और ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की है। क्यों? क्योंकि इस नफरत से, इस डर से हमारे प्यारे देश को नुकसान हो रहा है। यह सच्चाई है और इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है। और यह जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाके वहां पे लहराएंगे। और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे, हजारों लोग चलोगे, तो भाई और बहनों देखिए, सच्चा मुकाबला दुनिया में, सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है। ठीक है, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया, तो भैया प्रधानमंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? मगर देखिए, कंपटीशन आर्थिक है, मुकाबला आर्थिक है। ये आपके जो सेलफोन है, ये आपके जो शर्ट है, जूते हैं, इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए, उसके पीछे आपको लिखा दिखेगा मेड इन चाइना। हमें शर्ट के पीछे, सेलफोन के पीछे, जूतों के नीचे मेड इन इंडिया लिखना है।
और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब शंघाई में कोई युवा नए जूते खरीदे, उसके नीचे देखे मेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये हिंदुस्तान चाहिए, इसी से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, और ये हम करके दिखा देंगे। ये देश कर सकता है, करके दिखा सकता है। आप सबने इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया। मैंने भाषण में राजस्थान में कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।